छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव के बाद अब ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो गए, जिसमें पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लोग सरपंच पंच बनने अपने अपना चुनावी पेत्र आजमा रहे हैं। वहीं ग्रामवासी भी अपने लोकप्रिय नेता को चुनने उनके चुनाव प्रचार में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कमरिद में सरपंच पद के लिए लड़ रहे तीन प्रत्याशी मैदान में, जहां सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपना चुनाव प्रचार को लेकर जोर शोर से जुटे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गांव के सरपंच पद के प्रबल दावेदार पुनीता प्रजापति खड़ी है और उन्हें पूरे नगर का भरपूर सहयोग व महिलाओं का भारी समर्थन भी मिल रहा है। अगर माहौल की बात की जाए तो कुल मिलाकर गाँव में पुनीता प्रजापति ही सरपंच बनते नजर आ रही हैं। वहीं मीडिया के सामने एक अन्य प्रत्याशी सविता राम जी आदित्य खड़ी हैं। ये प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया। अब देखना ये होगा कि गांव की जनता किसे अपने गांव के सरपंच के रूप में चुनकर उसके सर पर जीत का ताज रखती है। मोर नाम पुनीता प्रजापति है। मैं ग्राम कमरित की हूँ और सरपंच पद के बाद खड़े हूँ और गाँव के प्रमुख प्रमुख व्यक्ति, हमारे गाँव के सब्बो दीदी, हमार बिहान के सब्बो दीदी और भैया मन, युवा मन सबके सहयोग से आज ही सरपंच के चुनाव बा खड़े हुए हों। और 10 साल से कोई विकास नहीं हुए तेकर नाम से आज सबके सहयोग से आज से और विकास करे बर खड़े हों। और 5 साल में सबसे अभी हमार सरकार है वह कांग्रेस के और हमारा पूरा भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हा हमारे ग्राम कमरित के जोन भी कार्य लेके जाबो पूर्ण कर ही और विकास कर ही। ग्राम पंचायत कमरित में हमार दो गांव हवा है, ग्राम देवरघटा और ग्राम कमरित, और साथ में डेरा भी आते और मैं हमेशा प्राथमिकता दहा जितना कार्य हो ही ग्राम पंचायत कमरित में उतना ही प्राथमिकता मैं देवरघटा में भी दहा। और अभी मैं मोल देखे ला मिलीस कुछ दिन पहले सर्वे करें तो कि देवरघटा इतना पिछड़े है, जहाँ पे बारिश के मौसम आते तो यहाँ माड़ी भर की चिखला रही थे है ना, और उस सब चीज़ देखते हुए कुछ दिन बीती तो वहाँ एक भी व्यक्ति घर में नहीं रहा, सब प्लान करते और ये सब चीज़ कारण है गाँव में ककरो पेंशन वेंशन और राशन कार्ड इंदिरावास हर चीज़ की समस्या है गाँव में। कोई प्रकार के 10 साल से कोई विकास नहीं हुए और वो विकास ला करे के खातिर हम सबके आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं सबके विकास करूँ करके कदम उठाए हूँ। और मोला उम्मीद है मोर गांव के सब जनता मन मोला आशीर्वाद दी, सहयोग दी और पूरा भरपूर विकास करे में सहमत रही। का छाप है? मोर छाप है चश्मा के छाप, पहला नंबर में है। और सब दीदी मल्ला और सब भैया मल्ला, सब गांव के प्रमुख प्रमुख व्यक्ति मल्ला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोर सपोर्ट करीस और मोर लायक समझीस। चश्मा छाप जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, चश्मा छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चश्मा छाप जीतेगा, पुनीता दीदी जिंदाबाद, पुनीता दीदी जिंदाबाद। मेरा नाम दुर्गेश्वरी है और बिहार की ओर से हम लोग पुनीता दीदी को खड़ा किए हैं ताकि गांव में विकास लाएं। यहां तक हम लोग 10 साल हो गए यहां पर शादी हो कराए, यहां पर कुछ तरक्की नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सभी महिलाएं सभी दीदी की तरफ से पुनीता दीदी को आगे बढ़ाए हैं और चश्मा छाप में खड़ा किए हैं, जिससे कि दीदी गाँव का विकास करेगी और सभी महिलाएँ हम लोग एक साथ हैं और सभी दीदी के सपोर्टिंग से हम लोग पुनीता दीदी को खड़ा किए हैं। हला भाई तो हाँ पुनीता बेटिल जी तो आबो कहा था भाई चश्मा छाप में। अच्छा काबर जी तो पुनीता बेटिल और गांव के अपन विकास के खातिर तो 5 साल कुछ देकर पहले कोई विकास नहीं हो है। अच्छा नहीं हो है। कौन रही थे सरपंच का विकास नहीं करी? नहीं करी विकास, सिर्फ दारू मुर्गा खवाई। अच्छा दारू मुर्गा हमन बंद करबो है ना भाई।